तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2021 पर आज की यानी कि 27 मार्च 2021 की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अशोक गहलोत जी का यहाँ पे बड़ा बयान आ चुका है रीट एग्ज़ाम पर। आप लोगों को जिस चीज़ का वेट था वो दोस्तों अब खत्म होने वाला है। जितने भी हमारे रीट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अंत तक जरूर देखें आज की इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ठीक नीचे एक लाल कलर का रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको ऑन जरूर कर लेना है, ताकि आगे से अगर कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है रीट एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड, ठीक है, आप सभी तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट पहुंचाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है तो आप लोग एक काम जरूर करें, इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करके उन सभी कैंडिडेटों पर शेयर कर देना है जो हमारे रीट एग्ज़ाम 2021 की तैयारी में जुटे हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, आज है आपका शनिवार, ठीक है, 27 मार्च शनिवार का दिन है और कल है आपका संडे। और हमने आपको बताया है कि हर संडे को अनअकैडमी पर साबलू सर जो टॉप एजुकेटर हैं, ठीक है, अनअकैडमी के, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्री टेस्ट। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और आप लोगों की तैयारी कितनी है, ठीक है, आप लोगों का तैयारी कितनी हो चुकी, कितना अपने सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, कौन सा अपना वीक पॉइंट है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, जानने के लिए आप लोग कल इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस टेस्ट का लिंक अवेलेबल करा देंगे। टेस्ट का टाइम है 4 PM, एनालिसिस का टाइम है 6 PM, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट हो गए हमारे जितने भी रीट के कैंडिडेट हैं उनके लिए। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अवेलेबल करा दी है, आप लोग उस पर क्लिक करें और एक कोड मांगा जाता है, तो आप लोग ABHAY यानी कि अभय डैशन कोड अप्लाई करें, ठीक है, और उस टेस्ट में आपका इनरोल हो जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स आप लोग सेलेक्ट करना है, अनअकैडमी डाउनलोड करके इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इसके बाद लिंक पर क्लिक करना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक अवेलेबल करा दी, आप लोग जाके जरूर देखें एक बार। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते हैं हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं कल क्या क्या हुआ, ठीक है, आप लोगों को पूरी अपडेट है। आप लोग देखिए यहाँ पे देख लिया, अब तो तय हो गया कि रीट की जो भर्ती परीक्षा है 25 अप्रैल को नहीं होगी, ठीक है, मई या जून में होगी। सरकार राज्य सरकार की कमेटी जो है परीक्षा तिथि संबंधित सभी बिंदुओं का अध्ययन जो है कर रही है, ठीक है, 26 मार्च। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में जैन समाज की जो याचिका की सुनवाई है ना 5 अप्रैल 2021 को आएगा, ठीक है, इसकी सुनवाई का फैसला जो है आपका 5 अप्रैल 2021 को आएगा। तो भैया बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि जितने भी अभी तक ये अपडेट्स आ रहे थे ना उसके अनुसार यहाँ पे रीट के जो एग्ज़ाम के चेंजमेंट के जो परसेंट हैं वो 290% है कि आप सभी के जो रीट के एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ें। और ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों के जून 2021 में कंडक्ट किए जाएंगे, ये आपका पूरा समझे कि कन्फर्मेशन मिला है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और आप लोग रीट की जो परीक्षा है 25 अप्रैल तो किसी भी हालत में नहीं होगी। राजस्थान रीट भर्ती की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए अब जो है जैन समाज ने हाईकोर्ट में शरण जो है हाईकोर्ट की शरण ली है, और जैन समाज के लोगों के द्वारा 25 अप्रैल को होने वाली रीट भर्ती 2021 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। समुदाय के लोगों ने कहा कि इस दिन मंदिरों में पूजना अर्चना होती है, इसी कारण जो है 25 अप्रैल को है नहीं करा सकते रीट का आयोजन, ठीक है। और पहले भी आपको बताते हैं 25 अप्रैल को हमेशा जो है आपका जब भी महावीर जयंती होती है तब सरकारी छुट्टी होती है, ठीक है, उस दिन यहाँ पे जैन समाज के हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी लोग मिलकर मंदिरों में जाके जैन महावीर जैन की जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जैन समाज मतलब कि छुट्टी रहती है उस दिन, ठीक है, और आने वाली जो आपकी 5 अप्रैल है, ठीक है, इस दिन आप लोगों का फैसला हो जाएगा कि रीट के एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी 90% चांसेस हैं कि आपके बढ़ जाएं। 16 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा जो अभ्यर्थियों को टक्कर रहेगी, ठीक है, एक पद के लिए 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच में टक्कर रहेगी, तो बहुत ही बड़ी बात है। और आगे जो भी अपडेट आएगी आप सभी तक पहुँचाई जाएगी। इस वीडियो को आप लोगों को अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करना ही करना है।